राम मंदिर को लेकर देखिए दिग्विजय सिंह ने अब ट्वीट किया है कि कमलनाथ के बाद अब दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करते हुए ये बात कही कि आज समूचा देश भी राम के भरोसे चल रहा है और जल्द से जल्द भव्य मंदिर अयोध्या में बने। दिग्विजय सिंह ने यह बात कही और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजीव गांधी भी यही चाहते थे। भूमि पूजन की तारीख को लेकर भी सवाल उठाए कि मैं तटस्थ हूं इस बात को लेकर कि 5 अगस्त को शिलान्यास का कोई मुहूर्त नहीं है। तो राम मंदिर को लेकर दिग्विजय सिंह ने देखिए ट्वीट करते हुए ये बात की कि हमारी आस्था का केंद्र है राम मंदिर और आज समूचा देश भी राम के भरोसे चल रहा है। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक चर्चा के लिए, साथ ही आशीष अग्रवाल जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी आपसे प्रतिक्रिया लूंगी, दिग्विजय सिंह ने एक सवाल उठाए हैं कि मुहूर्त को लेकर कि उन्हें नहीं लगता कि कोई मुहूर्त है इस दौरान और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समूचा देश भी आज राम के भरोसे चल रहा है, बीजेपी कैसे देखती है इसे? देखिए दिग्विजय सिंह जी तो नकली हिंदू है क्योंकि उन्होंने हिंदू को आतंकवाद शब्द से जोड़ा था और जब तक कांग्रेस पार्टी अपनी 3 मुख्य भूलों के लिए माफी नहीं मांगती तब तक उसको कम से कम राम मंदिर शब्द भी अपने मुंह से निकालना चाहिए। सबसे पहली 2007 में जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार थी उस समय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को नकार दिया था। जो ऑफिशियल वर्जन था गवर्नमेंट का वो ये था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब ये राम भरोसे और राम मंदिर की कैसे पैरोकारी कर सकते हैं? दूसरा विषय, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि लोग मंदिर इसलिए जाते हैं कि वो लड़की छेड़ने जाए, तो ये एक बड़ा निंदनीय है जिसके लिए आज तक कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी है। तीसरा, राम मंदिर को लेके जितना भी इनकी पार्टी ने अटकाने का प्रयास किया, अपने कपिल सिब्बल को खड़ा किया और लगातार ये प्रयास किए कि राम मंदिर के निर्माण में देरी आए, अड़चन आए, तो इन 3 भूलों के लिए जब तक कांग्रेस माफी नहीं मांगती तो उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आज राम मंदिर चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनी रहा, भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों ने जो अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया इस मिशन में उससे बनी रहा, तो अब तो ये सहूलियत की राजनीति है, ये उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं, नहीं तो ये एक ट्वीट सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना दें। जब किसी भी कांग्रेस के किसी एक वरिष्ठ नेता ने राम मंदिर का निर्माण हो इसकी अपील की हो सार्वजनिक रूप से, कोई नहीं है, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई कांग्रेस 2014 के बाद मंदिर जाना प्रारंभ हुई जिसको देश ने स्वीकारा नहीं। जी अजय सिंह जी, कांग्रेस कैसे जवाब देगी इसका? देखिए करिश्मा जी, भारतीय जनता पार्टी से धर्म का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको डेटा के साथ बता देता हूँ। 1987 में राजीव गांधी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के दरवाजे खोले, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केवल और केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए राम मंदिर आंदोलन चलाया और उसके नाम पर कई राज्यों में और केंद्र में अपनी सरकारें बनाई। भारी बहुमत के बाद भी केंद्र में पहुंचने के बाद इनकी सरकार ने राम मंदिर बनाने के लिए कभी पार्लियामेंट में कोई विधेयक नहीं लाए। ये अंततः वही निर्णय हुआ जो हमारी सरकार ने कहा था कि न्याय जी, में जी, लेकिन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना जी, सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय के आधार पर राम मंदिर बन रहा है, यही कांग्रेस पार्टी की नीति थी। भाजपा की सरकार ने कभी विधेयक नहीं लाया, फिर ये किस तरह से राम मंदिर आंदोलन की बात करते हैं? ये तो अपने राजनीतिक रोटियां सेंकी हैं राम मंदिर के नाम पे। जी आशीष, दूसरा आप कहते हैं सरकार ने विधेयक, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राम भगवान के लिए एफिडेविट दिया, वो तो आर के सिंह जी ने दिया था, उस समय गृह सचिव थे, आज आपकी सरकार में मंत्री है, तो क्या आर के सिंह जी? और दूसरी बात, कपिल सिब्बल जी के व्यावसायिक बातें की आपने, अरुण जेटली जी उनकी पुत्री किस तरह से किस किस के व्यावसायिक केस लड़ते रहे हैं, क्या हमने नहीं देखे? इसलिए व्यावसायिक बातों को ना करें कि कोई वकील अपने व्यवसाय में किसके लिए केस लड़ता है, इसका पार्टी से कोई मतलब नहीं है। चलिए अजय जी, आशीष जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनके जवाब को, सुनिए जी। देखिए खेत की जगह खलियान में ना पहुंचते हुए 2007 का जो एफिडेविट था वो कांग्रेस की सरकार ने दिया था जिसमें उसने स्पष्ट नकारा था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे एफिडेविट आर के सिंह जी ने दिया था कि नहीं, आज वो आपकी सरकार में मंत्री है कि नहीं? अरे तो सरकार ने दिया था तो क्या गृह सचिव कुछ नहीं होते हैं? गृह सचिव का कोई बुद्धि विवेक नहीं होता है, उन्हें आपने मंत्री क्यों बनाया? अगर आप काम करते हैं तो आप कहते हो कि राजीव गांधी ने, राहुल गांधी तो सरकार में कुछ थे ही नहीं, राहुल गांधी तो केवल एक सांसद रहे हैं, काम करते हैं तो आप कहते हो राहुल गांधी तो कभी सरकार में कुछ रहे ही नहीं? मुझे बताइए कि आर के सिंह जी मंत्री नहीं है, उन्होंने नहीं दिया था? चलिए एक एक करके हम अगर सुनेंगे तो बेहतर होगा अजय जी। राम मंदिर बनता हुआ देख के छाती पीट रहे,
राम मंदिर कांग्रेस पार्टी की वजह से बन रहा है। हमारे नेताओं ने कहा था कि न्यायालय के रास्ते से विवाद सुलझेगा, वही रास्ता निकला। बताइए, आपके नेताओं ने कभी बोला कि न्यायालय से निकालेंगे? मेरी बात का जवाब दीजिए आप मुझे। अभी तक का कोई भी एक ट्वीट, चूंकि रिकॉर्ड में है, कोई भी एक वक्तव्य अपने किसी भी पार्टी के नेता का बता दें जो वरिष्ठ हो, जिसने राम मंदिर के बनने की अपील की हो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। बल्कि आप तो बहसों में हमसे पूछते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे परंतु तारीख नहीं बताएंगे। हर डिबेट में जाके हम इसी बात का जवाब देते थे कि तारीख भी बताएंगे और मंदिर भी वहीं बनाएंगे। आपने कहां बताया? सुप्रीम कोर्ट ने बताया, यही तो हम कह रहे हैं। आप पार्लियामेंट में बिल क्यों नहीं लाए? अगर आपकी नियत थी तो आप क्यों नहीं लाए बिल? बताइए, नरेंद्र मोदी जी से अटल बिहारी वाजपेयी तक कोई लाया पार्लियामेंट में बिल? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो सबके लिए बातें होता है, और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद का निपटारा होना चाहिए, और वही निपटारा हुआ, तो बात तो वही हुई ना जो हमने कहा। समय की कमी है सर। आशीष जी, संक्षिप्त में रिएक्शन दीजिए, इसके बाद मैं इस बहस को यहीं खत्म करती हूँ। देखिए, कांग्रेस की आस्थाएं नकली है। आज राम मंदिर बनते हुए देखे, ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोगों के पास चारा नहीं बचा है उसके समर्थन में आने से, परंतु ये देश की जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी को ये अगर बहस बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी, लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और हमें इसको मानना है, और मैं नहीं चाहती कि इस पे अब राजनीति और बहस हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक के बाद एक अब कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर किस तरीके से भुनाया जा रहा है, और अभी दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती की थी कि जल्द से जल्द राम मंदिर बने, लेकिन उन्होंने कहा कि भूमि पूजन की तारीख को लेकर उन्होंने यहाँ पे कई सवाल उठाए, और इसलिए उन्होंने ये कहा कि आज समूचा देश राम जी के भरोसे चल रहा है, तो उन्होंने तंज भी यहाँ पे कसा है।